आखिरकार बाहुबली आनंद मोहन को बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। जब आनंद मोहन जेल से निकला उस वक्त सुबह के करीब 4:30 बजे का वक्त रहा, यानी अंधेरे में उसे छोड़ा गया। सूर्योदय से पहले ही बाहुबली की रिहाई हुई। वहीं सहरसा में आनंद मोहन के समर्थकों ने जश्न मनाया, लेकिन पटना हाई कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने PIL दायर की। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड IPS अमिताभ दास भी याचिका दायर करेंगे। यानी रिहाई के बावजूद बाहुबली आनंद मोहन की मुश्किलें लगातार बढ़ने की संभावना है। उधर TV9 भारतवर्ष ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। अगर ये घटना हम लोग के सामने में होती, आनंद मोहन जी के सामने में होती, तो जी कृष्णैया जी को हम की जान को हर तरह से रखवाली करते, अपनी जान दे करके भी उनकी रक्षा करने में हम लोग कोशिश करते। ये सच्चाई है, ऊपर वाले पर हम लोग पूरा भरोसा करते, आस्तिक हैं, तो परिवार है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब दिवंगत IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने बाहुबली नेता को रिहा करने के फैसले को अनुचित करार दिया है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा कि उन्हें रिहा करना गलत फैसला है। जनता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेगी, उन्हें वापस जेल भेजने की मांग करेगी। CM नीतीश कुमार को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उमा देवी ने आगे कहा कि अगर आनंद मोहन भविष्य में चुनाव लड़ेंगे तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की अपील की। इसके साथ ही जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन का आज जेल से छूटना हमारे लिए बेहद दुख की बात है, सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जी कृष्णैया का परिवार बाहुबली नेता की रिहाई का शुरू से विरोध कर रहा है। कृष्णैया 1985 बैच के IAS अधिकारी थे, वो तेलंगाना के रहने वाले साफ सुथरे छवि के अधिकारी थे। 5 दिसंबर 1994 को उग्र भीड़ ने जी कृष्णैया की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी के छोटन शुक्ला की हत्या कर दी थी। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे, उनकी हत्या से जनता में आक्रोश था। छोटन शुक्ला के समर्थक जुलूस निकालकर शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तभी वहां से गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की गाड़ी गुजरी। कृष्णैया हाजीपुर से गोपालगंज लौट रहे थे, तभी भीड़ ने उन्हें गाड़ी से खींच लिया और बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 2007 में पटना जिला अदालत ने 6 नेताओं को दोषी ठहराया। इसमें आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद, विजय कुमार शुक्ला, अखलाक अहमद और अरुण कुमार हरेंद्र कुमार, जो कि वरिष्ठ JDU नेता हैं, और SH ठाकुर शामिल थे।